वेस्ट दिल्ली के लक्ष्मी नगर में आकर इवेंट एंड एंटरटेनमेंट नाम से खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस इवेंट में दिल्ली के सभी स्कूलों और छोटे छोटे गाँव के बच्चों को अपना हुनर दिखाने का मौका दिया जाएगा। इवेंट में गायन, नृत्य, अभिनय का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम को एपिसोड्स के जरिए टीवी पर प्रसारित भी किया जाएगा। आज जो आपने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्या था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटिव? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटिव यही है कि जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, जिनको कोई मंच नहीं मिल पाता, हम उनको एक मंच देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम को लेके हम जो गांव हैं, तंग गलियां हैं, कुछ हैं, उसमें जाएंगे। अभी इस कार्यक्रम को हम दिल्ली राज्य स्तर पर करेंगे, उसके बाद उन गलियों में जाएंगे, क्योंकि हम बहुत दूर दूर जाते हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसे देखी हैं, क्योंकि मेट्रो सिटियों में तो सारी सुविधाएं भी होती हैं, सारे साधन संपन्न होते हैं, लेकिन जिन लोगों को साधन नहीं मिल पाते, साधनों के अभाव में काम करते हैं, हम उन लोगों के पास जाएंगे और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और इसका जो फाइनल होगा वो 16 दिसंबर को होगा, इसके ऑडिशन 14 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। कुछ ऐसे बच्चे दिए गए हैं कि जो लोग अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली की सड़कों पर लड़कियां बच्चे स्टंट करते दिखाई देते हैं, क्या ऐसे ही बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं? हाँ, हम कुछ उन बच्चों से भी बात करेंगे, क्योंकि इसमें बेसिकली कुछ बच्चे इस तरह के हैं जिनको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया हुआ है, क्योंकि जो बच्चे भीख मांगते हैं, तो कई बच्चों से मेरी बात हुई तो बाद में जो कंक्लूजन निकला, एक बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है जो छोटे बच्चों को हायर करता है, उनको टैलेंट देता है, लेकिन बच्चे, सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चे, उन बच्चों में टैलेंट आ जाता है, तो हम उनको भी गाइड करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश यही करेंगे कि वो बच्चे भी आगे आएँ और टीवी तक पहुँचे, देश का नाम रोशन करें। और के बारे में बताऊं तो आकार, हम लोग पिछले 16-17 सालों से हम लोग इसी आकार से जुड़े हुए हैं। लगभग 100 से भी ज़्यादा इवेंट्स हम लोग इसमें कर चुके हैं। अभी हमारा जो हाल ही में जो इवेंट हुआ है वो दिल्ली हट में काफ़ी सफल रहा, उसी के तहत हम लोग एक स्कूल प्रीमियर लीग को अब लॉन्च करने वाले हैं। नहीं, अभी तो हम लोग सभी आपस में मिलकर कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही है। आने वाले टाइम में अगर करेगी तो डेफिनेटली हम लोग उसको देखेंगे। सर, हमारे जो प्रेफरेंस रहेगी वो गवर्नमेंट स्कूल्स, एमसीडी स्कूल, जितने भी लो कैटेगरी के स्कूल्स रहेंगे वो रहेंगे। जो भी दिल्ली एनसीआर में स्कूल रहेंगे उन सब में हमारे पास लेटर भेजा हुआ है, जो भी इंटरेस्टेड होंगे उन सबको हम लोग। किस तरह का आपका डाटा कहाँ से आता है, कितने स्कूल कहाँ चले? प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है स्कूल, लेकिन कॉलोनीज में स्कूल चल रहे हैं। हमारी बेसिकली पूरी हमारी टीम है जो पूरी दिल्ली एनसीआर में घूम रही है, वो सब सर्वे कर रही है, उन सबके जो भी डाटा आएगा उन सबको हम लोग भेजेंगे। मैम, बताइएगा आकार में आपका क्या रोल है और किस तरह से आप आगे लेके जाएंगे इस आकार को? देखिए, मैं ये समझती हूँ आकार में मेरा कोई स्पेशल रोल नहीं है, क्योंकि हम जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे किसी का भला करने के लिए, साथ ही साथ क्योंकि हम वो लोग हैं ना जितने भी इस टीम में शामिल हैं, हम सब संघर्ष करके आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हम दूसरों को भी आगे के मुकाम तक पहुँचा पाएँ। तो हमारी यही एक अनूठी पहल होगी, एक अनोखी पहल होगी कि हम हर उभरती हुई कला को एक आकार देने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम सब संघर्षशील व्यक्ति इस टीम में शामिल हुए हैं। ये हम नहीं उन पे थोपेंगे कि हम उन्हें कौन सा आकार देंगे, हम देखेंगे वो किस आकृति में ढलने की कोशिश करना चाह रहे हैं। मैडम, अभी आपने बताया है कि आपको बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, तो कुछ ऐसी बातें अपनी शेयर कर दीजिए जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे को म्यूज़िक का बहुत इंटरेस्ट था और मेरे माँ बाप की फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो मुझे पढ़ा भी सकें, लेकिन मैंने बच्चों को ट्यूशन देके और टीवी देख करके हारमोनियम बजाना सीखा, तबला बजाना सीखा, ढोलक बजाने सीखा और आज मैं अपने घर में बच्चों को फ्री एजुकेशन देती हूँ, ताकि मेरी तरह वो बच्चे म्यूज़िक से दूर ना रह पाएँ जो म्यूज़िक सीखने की इच्छा रखते हैं लेकिन पैसे की कमी के कारण म्यूज़िक नहीं सीख पाते हैं।